राजधानी लखनऊ में स्थित कृषि भवन में आज श्री अन्न महोत्सव 2023 के तहत श्री अन्न के विविध व्यंजन बनाने को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, कृषि सचिव और निदेशक डॉक्टर राजशेखर समेत कृषि विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कृपाशु प्रताप, आशुतोष सिन्हा और विशाल अग्रवाल को भी कृषि मंत्री ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के लिए 10,000 रुपए की नकद, द्वितीय के लिए 7,500 रुपए की नकद और तृतीय पुरस्कार के लिए 5,000 रुपए की नकद राशि दी गई। साथ ही शॉल उड़ाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्नैक्स श्रेणी के लिए लुलू हाइपर मार्केट की आरती, कल्पना और मीनू को पुरस्कार दिया। इंडियन स्वीट श्रेणी में आरती और कल्पना ग्रेड यूरर्स को पुरस्कार दिया गया। वहीं बेकरी श्रेणी में लुलू हाइपर मार्केट, मिस्टर ब्राउन, डेनब्रो और ग्रेड यूरर्स को पुरस्कार दिया। इसके अलावा मेन कोर्स श्रेणी में लुलू हाइपर मार्केट, राखी लखन और श्वेता श्रीवास्तव को पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर श्री अन्न प्रतियोगिता का आयोजन कराने को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों का आभार जताया। वहीं इस प्रतियोगिता के विजेताओं ने भी यूपी सरकार और कृषि विभाग को धन्यवाद कहा। मैं लुलू हाइपर मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूं, जो अभी पिछले दिनों हमने एक कंपटीशन हुआ था जिसमें मोटे अनाज को बनाना था, तो उसमें बनाया था हमने एक कुनिया का सैलेड कबाब बनाया था और एक आटे की सब्जी बनाई थी और बाजरे के कोफ्ते बनाए थे, तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था। वहाँ के जितने लोगों ने उसको खाया, टेस्ट किया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया एंड कुछ नया था, लोगों को खाने को नया मिला। जो लोग अक्सर बाजरे की रोटियाँ बनाते उससे डिफरेंट था और लोगों ने बहुत सारा ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बोला भी केशव कुछ ना कुछ आगे ऐसा करते रहिएगा एंड होप कुछ ना कुछ और बेहतर करेंगे, कुछ नया करेंगे। थैंक बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ अभी तक हम एक किचन के अंदर रखते थे या एक होटल्स के अंदर रखते, तो वो आज एक लखनऊ के मंच पर आ गया है और माननीय कृषि मंत्री जी ने हमको सम्मानित किया, तो बहुत बड़े गर्व की बात है एंड बहुत प्राउड फील है और आगे भी और बेहतर करेंगे। आज हमको कृषि मंत्री फे मीनू शेफ को सम्मानित किया गया है कि हम लोगों ने चटोरी गली में हुई प्रतियोगिता में, स्नैक्स प्रतियोगिता में तृतीय स्थान मिला हमको। हम लोगों को बहुत बढ़िया लगा और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हम लोग वहाँ पे थे और उनके साथ हमारा कंपटीशन था और उसमें भी कृषि विभाग की ये निष्पक्षता रही कि उन्होंने जो है फेयर ढंग से सिलेक्शन किया और हम लोगों को भी इनाम मिला इसमें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव यहाँ पर अभी आयोजित किया गया था 27, 28, 29 अक्टूबर को और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 को देखते हुए व्यापक उसकी तैयारी की गई थी और उसका एक बृहद कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत राज्य स्तरीय श्री अन्न पर 3 दिवसीय सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन था और उसमें लगभग 4,500 से ज़्यादा किसान भाइयों ने 3 दिनों के भीतर हिस्सेदारी बताई। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और अनेक कई हमारे मंत्रीगण वहां पर आए थे, विधानसभा के अध्यक्ष जी आए। इसके साथ साथ विविध प्रकार के जो FPO हैं या जो प्रोसेसिंग इकाई वाले हैं या जो पैकेजिंग ब्रांडिंग करके अपने ब्रांड बेच रहे हैं, ऐसे सारे लोगों का वह एक संगम तरीके का था और उसी के कार्यक्रम के भीतर 2 दिवसीय भोजन कंपटीशन, उसको बनाए जाने का मेनू तैयार करके और बनाए जाने का रेसिपी, इसके दृष्टि से कि कैसे उसकी रेसिपी तैयार करके लोगों तक पहुँचे, तो वह कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से सम्पन्न हुआ। उसके लिए मैं कृषि विभाग के अपने अधिकारियों को, विशेष रूप से इस समय निदेशक के पद पर कार्य देख रहे राजशेखर, डॉक्टर राजशेखर को और उनके सारी टीम को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराया और आज विभिन्न प्रतियोगियों का, जिन्होंने 29 तारीख की प्रतिस्पर्धा में जो शामिल हुए थे उन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है और जो आज नहीं उसमें आ सके हैं उनको भी उन तक वो पुरस्कार, उन तक सम्मान पहुँचा दिया जाएगा।